हेलो, वेलकम टू फौजी बैच अगेन। जीके पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जीके का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। देखो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। क्यों आने वाला है? अगर आपका दिमाग साइंटिफिक है, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको आपको विज्ञान में इंटरेस्ट है, तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, याद रखना आप लोग कि जीके एक सब्जेक्ट है सैनिक स्कूल के एग्जाम का। चार सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड जीके। अब जीके की जब बात चल रही है तो जीके को भी दो पार्ट्स में आप देख सकते हो अपनी चॉइस से। एक हो गया एसएसटी, एक हो गया साइंस। हालांकि हम इस तरीके से डिवाइड नहीं कर रहे हैं जीके को, क्योंकि एग्जाम में भी डिविजन्स नहीं करते हैं जीके में। जीके में साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, एसएसटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल नॉलेज लाइक कि किसका कैपिटल क्या है, किसकी लैंग्वेज क्या है, इस टाइप के सवाल भी आते हैं। तो जीके को हम लोग जीके ही रखेंगे, इसलिए फोल्डर का नाम आप देखोगे ऐप पे तो जीके लिखा है, और जीके के अंदर सिर्फ चैप्टर्स आते गए हैं, ऐड होते गए हैं। कोई साइंस का फोल्डर नहीं, कोई एसएसटी का फोल्डर नहीं, मैं ऐसा नहीं रख रहा हूँ। डिविजन्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें मजा क्यों आने वाला है? क्योंकि इट इज साइंस, और इस साइंस में हम लोग टेक्नोलॉजी देखेंगे। हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग साइंस के डिवाइसेस जिनको अपन यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। आप एक बात समझ के देखो कि साइंटिस्ट लोगों ने अगर डिस्कवर किया कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में रिसर्च किया, तो क्या कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन जैसी लाइट को टेक्नोलॉजी में बदला, टॉर्च बना दिया। टॉर्च से भी पहले जाए अपन, तो फायर क्रिएट किया, आग जलाना सीख गए, है ना? हमने देखा कि गोल चीज जो होती है वो बड़ी आसानी से रोल कर जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो हमने चक्के बना दिए। तो ये सारी क्या है? ये चीजें, ये सारे डिवाइसेस हैं। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो ना, साइंस से आई है वो। साइंस में आपने कॉन्सेप्ट समझा, थ्योरी समझा, और उसको जब इम्प्लाई करके आपने मशीन्स बनाई, दोज आर डिवाइसेस। अभी यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पीछे देख सकते हैं कि साइंटिफिक डिवाइस या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस और अ टूल यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ बोथ नेचुरल फिनोमेना एंड थियोरिटिकल रिसर्च। यहाँ पर देखो एक शब्द दिया है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सिर्फ साइंस के लिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन एक तरीके से 100% एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं, आप समझो। साइंटिफिक डिवाइसेस में हम ऐसे ऐसे चीजें भी यूज करेंगे जो साइंस में तो यूज होती हैं, जो साइंटिस्ट यूज करते ही हैं, पर हम रियल लाइफ में हम भी यूज करते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप बोलोगे, मैं जो अभी एग्जांपल्स दूंगा, अभी मैं आपको 20 अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा, उनकी फंक्शनिंग बताऊंगा, उनके पिक्चर्स दिखाऊंगा कि दिखते कैसे हैं। आप उसमें देखोगे कि कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम घर पे यूज करते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है ना कि सर आपने तो डेफिनेशन में बोला था कि साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, पर हम तो घर पे यूज करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया, गोल ये है कि ये साइंस में यूज होता है, गोल ये नहीं है कि घर में यूज होता है कि नहीं होता है। तो घर में यूज होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि साइंटिस्ट यूज नहीं करते। तो हो सकता है ना कि कोई ऐसा डिवाइस हो जो घर पे भी यूज हो रहा है, साइंटिस्ट भी यूज कर रहे हैं। तो हम जो 20 देखने वाले हैं, जो 20 डिवाइसेस देखेंगे, वो सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं। नए नए डिवाइसेस हैं, हो सकता है कुछ आपको पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पता होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसको आपने देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा, पर आपको नाम नहीं पता होगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। जैसे आपने ना गाड़ी चलाई होगी, तो उसमें देखा दिखा होगा कितना किलोमीटर गाड़ी चला है ना। कार में और बाइक में आप देखोगे तो एक पट्टी रहती है मीटर की, जो बताती है कि कितना किलोमीटर कोई भी गाड़ी चला है। आपको उसका नाम नहीं पता होगा शायद, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा उसका नाम क्या है। तो आपने देखा था वो डिवाइस, आज डेली आप देखते हो, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में बैठते हो, आप वो डिवाइस देखते हो, आपको बस नाम नहीं पता था। तो ऐसी चीजें होंगी, कुछ होंगी आपको आएंगी पहले से, आप बोलोगे कि यार सर ये तो मेरे को पहले से पता था, कुछ होंगी जो आपको लगेगा कि सर ये तो पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, और कुछ ऐसी होंगी जो आप बोलोगे अरे सर ये तो देखा हुआ है, इसको ये बोलते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। पहले डिवाइस से शुरू करते हैं। पहले डिवाइस का नाम है एमीटर, सबसे पहला डिवाइस है। अच्छा, ये जो डिवाइसेस के, जो 20 डिवाइसेस के नाम है ना, मैं आपको एक बार बता दूं कि ये 20 डिवाइसेस के नाम जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। यानी कि सबसे पहला एम मीटर है। क्यों? क्योंकि ये ए से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब, पहले ए से आने वाले नाम होंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर
ई से, तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डिवाइसेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है ये प्रेजेंटेशन, आप लोग क्लास का पीडीएफ अभी ऐप पे आप देख भी सकते हैं, तो ये पीडीएफ सारा का सारा अवेलेबल है ऑलरेडी फोल्डर पे। तो वीडियो भी देखो और लास्ट में रिवीजन के लिए आप क्या करना, ये वाला पीडीएफ जो है वो पीडीएफ को देख के आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, यानी कि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखा चीजें समझ आ गई, फिर डेफिनेशन रटने के लिए नाम मेमोराइज करने के लिए ये पीडीएफ आप आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर एम मीटर क्या होता है, एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम लोग करंट मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस है, ये लैब वगैरह में यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे आप जब 10th क्लास में जाओगे ना, तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हो क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्कूल्स में लैब में, उसके लिए ये डिवाइस यूज करते हैं, और आपको प्रोजेक्ट मिलता है क्लास 10th में कि आपको एक बनाना रहता है वायर वगैरह जोड़ के, बैटरी वैटरी लगा के, और आपको चेक करना रहता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है दिस इज यूज्ड, तो इसमें क्या करते हैं आप देखोगे, तो ये नीचे ये जो बने हुए हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो गोल गोल ये बने हुए हैं रेड और ब्लैक कलर वगैरह के, वहां पर आप वायर वगैरह जोड़ते हो, ठीक है, और वहां से आप करंट फ्लो कराते हो। तो दो वायर्स आप जोड़ोगे, है ना, दो किन्हीं, जैसे यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं आपको, किन्हीं दो पे जोड़ना है खाली, या तो आप इससे जोड़ लो या तो इससे जोड़ लो, ठीक है। तो ब्लैक वाले में कंपलसरी है जोड़ना, और रेड वाला आपकी चॉइस है, अगर बहुत हाई करंट है तो ये वाला जोड़ना है हाई करंट के लिए, और लो करंट के लिए ये वाला जोड़ना है। तो आपने क्या किया कि मान लो छोटी बैटरी लगाई है, स्मॉल बैटरी है, तो स्मॉल बैटरी में आपने क्या किया, एक को ब्लैक वाले से जोड़ा, एक को ये बीच के रेड वाले से जोड़ा, और उसके बाद जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो करंट फ्लो होता है। और ये जो डिवाइस का ऊपर ये जो मशीन है ये बताती है कि भाई साहब करंट की क्या वैल्यू है। अब करंट की वैल्यू की बात आई तो हमको पता होना चाहिए ना कि करंट का यूनिट क्या होता है। अब यूनिट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट यूनिट इज। देखो अगर मैं आपसे बोलूं पांच, क्या सिर्फ पांच बोलने से आपको पता चल रहा है मैं किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं? नहीं, पर मैंने बोला 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर बोलते ही आपके दिमाग में आया कि सर आप तो डिस्टेंस का बात कर रहे हो। अगर मैंने बोला आपसे 10, कोई सेंस नहीं आया। मैंने बोला 10 किलोग्राम, आपने बोला सर किलोग्राम की बात कर रहे हैं, केजी की मतलब वजन की बात हो रही है। तो फिर मैंने बोला मान लो 20, कोई सेंस नहीं। 20 सेकेंड, आपने बोला अरे टाइम की बात चल रही है। तो देखो आपके पास नंबर जब आए तो आपको कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसके बगल में यूनिट आया। यूनिट क्या है, यहां पर देखो ऊपर में किलोमीटर है, यहां पर किलोग्राम है, और यहां पर सेकेंड है। तो आपने बोला कि सर ये जो यूनिट है ये यूनिट बताता है कि भैया क्या चीज का मेजरमेंट है। तो अगर हम करंट को मेजर करें तो उसकी यूनिट क्या होती है, जैसे यहां पर डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, वजन की यूनिट किलोग्राम, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो सर करंट की क्या होती है, मतलब एक करंट, दो करंट, तीन करंट तो बोलोगे नहीं आप, आप बोलोगे वन समथिंग, टू समथिंग। तो वो समथिंग क्या है, वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है एम्पियर, वो यूनिट है एम्पियर। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, AMPER। और करंट जब मेजर होता है तो आप क्या बोलोगे, 1 एम्पियर करंट है, 0.5 एम्पियर करंट है। तो आप जब बोलोगे 10 तो कुछ नहीं, पता नहीं चलेगा क्या बात चल रही है, पर आपने बोला 10 एम्पियर, तो एम्पियर बोलते ही पता चल गया किसकी बात चल रही है, करंट की बात चल रही है। तो इसमें जो भी मेजर होता है, यहाँ पर ये जो डिवाइस है, ये सारी डिवाइस में जो भी वैल्यू मेजर होती है वो एम्पियर में होती है। तो दिस डिवाइस विच इज यूज टू मेजर कि भैया कितना करंट है, जैसे अगर 10 एम्पियर करंट है तो ज्यादा है, 5 एम्पियर है तो कम है, 1 एम्पियर है तो बहुत कम है। तो ये मशीन बताती है कि भैया करंट है कितना। तो दिस एम्पियर, एम मीटर इंटरेस्टिंग है, देखो एम मीटर में भी ए एम है, एम्पियर में भी ए एम है, तो करंट से रिलेटेड में ए एम शुरू में लगा रहता है ज्यादातर जगह पे आप देखोगे तो, अंग्रेजी के शब्द हैं तो कुछ ना कुछ आप पैटर्न पकड़ सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ पहला डिवाइस, अभी एक ही डिवाइस हुआ एम मीटर, आगे चल के 20 हैं, तो टोटल 19 और बच्चे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे याद करते हुए चलना है ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े दोबारा से रिवाइज करने में। अगला देखते हैं, बैरोमीटर। व्हाट इज दिस बैरोमीटर, बहुत मस्त चीज है, क्यों मस्त चीज है, देखो
इट मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या मेजर करता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब आपने बोला सर ये प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर? मैंने बोला बेटा प्रेशर के बारे में अपन पढ़ते हैं क्लास 9th में, तो अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस एक चीज समझ लो कि जहां पर भी फोर्स लग रहा है वहां पर प्रेशर लगता है। मतलब कि अगर मैं आपको धक्का मारा तो मैंने आपको पुश किया, मतलब मैंने आप पे फोर्स लगाया, है ना? तो जब फोर्स लगा मतलब मैंने आप पे कुछ प्रेशर भी दिया, तो जहां फोर्स वहां प्रेशर। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके ऊपर एक मटका रख दूं तो क्या मटके का फोर्स लग रहा है आपके ऊपर? हाँ लग रहा है, महसूस होता है ना कि भैया मटका दबा रहा है आपको नीचे। आप कुछ भी हैवी चीज उठाओगे तो आपको नीचे दबा रहा होता है। तो आपने बोला कि सर ऊपर से फोर्स लग रहा है मटके का, मतलब प्रेशर भी लग रहा होगा क्योंकि जहां फोर्स वहां प्रेशर। अब एक बात बताओ कि हम एक आदमी है, ठीक है, ये यहां पर आराम से खड़ा है। अब हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पे क्या होता है? ये अपना धरती है, यहां पर एक छुट्टू सा आदमी है, और पृथ्वी पे है एटमोस्फेयर, मतलब धरती के ऊपर पूरा हवा भरा हुआ है ना? तो यहां पर मान लो इतना पूरा एयर ही एयर, एयर 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 एयर, पूरा एयर है, ठीक है। अब आप देखो उस डायग्राम में, तो यहां पर ये जो इंसान है इस इंसान के ऊपर इतना सारा एयर है। हाँ भाई एयर तो है, और क्योंकि धरती की ग्रेविटी है जो हर चीज को नीचे खींच रही है, मतलब आदमी के सिर के ऊपर जो हवा है उसको भी नीचे खींच रही है, ऊपर के हवा को। यानी कि यहां पर इस रेंज में आप देखोगे तो पूरा एयर है, और ये एयर नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो ये एयर आदमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। और सिर्फ आदमी के ऊपर नहीं, जहां पर भी आप देखो, अगर एक टेबल भी रखा हुआ है, एक टेबल भी रखा हुआ है, तो एक टेबल के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है एयर का, एटमोस्फेयर का। तो हमने बोला एटमोस्फेयर की वजह से जो फोर्स लगा, जो प्रेशर लगा, दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब कितना प्रेशर लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं अपन इस मशीन से, जिसका नाम है प्यारा सा बैरोमीटर। दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां पर देखो लिखा भी हुआ है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये एटमोस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें जो एरो डंडी बनी हुई है वो डंडी मूव करती है डिपेंडिंग ऑन कि कितना प्रेशर है, और वो प्रेशर बताती है, ठीक है। अब आपका सवाल आ सकता है सर करंट का आपने यूनिट बताया था एम्पियर होता है पिछले वाले में, तो क्या सर प्रेशर का भी कुछ यूनिट होता है? हाँ प्रेशर का यूनिट होता है, जैसे कि किलोग्राम होता है वजन का, जैसे कि डिस्टेंस का होता है किलोमीटर, जैसे कि टाइम का होता है सेकेंड, जैसे कि करंट का होता है एम्पियर, वैसे ही प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, PASCAL। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ आपको ये समझ आ गया पास्कल? तो जब भी आप इस मशीन को यूज करोगे, बैरोमीटर को यूज करोगे, जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी? पास्कल में आएगी। तो आप बताओगे कितना पास्कल? 1000 पास्कल, 10000 पास्कल, 5000 पास्कल, 1 करोड़ पास्कल। पास्कल पास्कल बढ़ाते ही पता चल गया प्रेशर की बात चल रही है भैया, अपने को चमक गया, मजा आ गया। दो डिवाइसेस हो गई कंप्लीट, सारी साइंटिफिक डिवाइसेस ही है, ठीक है। मूविंग ऑन, बाइनोकुलर। अच्छा चैप्टर का नाम क्या था? साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, मतलब डिवाइसेस ऐसी हैं जो साइंटिफिक हैं, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, पर हम लोग कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर बैरोमीटर कहाँ यूज करते हैं, एम मीटर कहाँ यूज करते हैं? अरे हाँ भैया आपके घर में यूज नहीं होता, किसी ना किसी के घर में यूज होता है ना, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं। आपको दुकान में मिल जाएंगी ये सारी डिवाइसेस, ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी स्पेशल लैब जाना पड़े वो डिवाइसेस लेने के लिए। अब बायनोकुलर देख लो, क्या ये लोगों के घर पे नहीं होता है? अब जैसे मेरे घर पे बायनोकुलर नहीं है, आपके घर में भी शायद ना हो, पर आपको पता है ना कोई इंसान अपने घर पे यूज करता होगा बायनोकुलर। बायनोकुलर मतलब क्या? दूरबीन। दूरबीन क्या होती है? ऐसा देखते ना, ओ कहाँ, अरे उतना दूर क्या है, क्या छुपा है, दूरबीन। जासूस लोग क्या करते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा ना, स्पाई जो होते हैं, SPY, स्पाई, स्पाई जासूस, ऐसे लगा के देखते हैं ना दूर से, हाँ अरे वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है। ये है बायनोकुलर, इट इज यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये है बायनोकुलर्स।
बाइनोकुलर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं और इसमें लेंस लगा होता है, और वो लेंस का काम क्या होता है, दूर की चीजों को मैग्नीफाई करना। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी दूर की चीज को देखते हो तो वो छोटी दिखाई देती है। सूरज को देखो, सूरज कितना बड़ा है साइज में, पृथ्वी से भी, अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है सन, लेकिन फिर भी हमको कितना छोटा दिखता है क्योंकि बहुत दूर है। सन से भी ज्यादा बड़े होते हैं स्टार्स, पर हमको कितने छोटे दिखते हैं, एकदम इट्टू से। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है वो। तो इसका काम क्या होता है बायनोकुलर का, कि भैया आपने देखा 500 मीटर दूर पे एक आदमी खड़ा है, ढंग से दिख नहीं रहा है, आपने ये बायनोकुलर लगाया, इस पे लगे हैं लेंस। लेंस का काम क्या है, वो चीजों को बड़ा कर देता है, मैग्निफाई। तो आपको जो आदमी दूर से इतना साइज का दिख रहा था, वो अब आपको बड़ा सा दिखेगा कि हाँ भाई क्या कर रहा, अच्छा इधर जा रहा, अच्छा ऐसे कर रहा है। ये सारी चीजें बायनोकुलर से आपको मिल जाती हैं। आसान था। मूविंग ऑन, थर्ड पे, फोर्थ नंबर पे चलते हैं, चौथा डिवाइस, डायनेमो। क्या ये डायनेमो? डायनेमो क्या है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़े खतरनाक खतरनाक टर्म्स दे दिए। क्या बोला इसने डायनेमो में? इसने बोला इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो तीन शब्द आपने नए नए देखे, एक तो डायनेमो देखा जिसके बारे में समझा रहा हूं, अब डायनेमो समझने के लिए दो और नए शब्द आ गए, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है समझते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर मैं जैसे मान लो कि मेरे सामने एक एक वो है, क्या बोलते हैं, गोल गोल घुमाने वाला कुछ है, मैंने पकड़ के उसको ऐसे गोल 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 घुमाया, तो मैं जो काम कर रहा हूं दैट इज मैकेनिकल वर्क। मैकेनिक होते हैं ना, मैकेनिक मतलब आदमी जो काम करता है, मैकेनिक वाला ऐसे नस स्क्रू टू टाइट कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो लोहा वोहा को घुमाना या मूव करना, ये सारी मैकेनिकल चीजें होती हैं। तो मैंने मैकेनिकल काम किया ऐसे गोल गोल घुमा के, तो मैकेनिकल काम करने के लिए जो एनर्जी मैंने यूज किया, मेरे बॉडी से कुछ ना कुछ एनर्जी मैंने यूज किया अपना इसको घुमाने के लिए, दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अगर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसके पास एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, एक लाइट है, वो कैसे जल रहा है? लाइट जला तो उसने लाइट एनर्जी रिलीज की, पर उसके पास लाइट आया कैसे? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास भी एनर्जी होती है जो वो लाइट को देता है जब वो लाइट के थ्रू पास होता है। तो हमने बोला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी के पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमने एज ए ह्यूमन बींग जो यूज किया अपना हाथ पैर या जो भी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो डायनेमो क्या कर रहा है? एनर्जी कन्वर्ट करा रहा है, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है। और एक्चुअल में इसी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कभी सोचा है वायर के थ्रू आपके घर में बिजली कैसे आ रही है भैया? डायनेमो से। डायनेमो क्या करता है? जो भी मशीन वाला पार्ट है वो रोटेट करवाते हैं, और वो रोटेशन वाली एनर्जी हो गई मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी से बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने घुमाया गोल गोल गोल, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिक्स लग रहा है उसमें, मशीन है वो, और वहां से कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बदल गया मैकेनिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस का, ये जो फोटो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये अंदर का पार्ट है डायनेमो का। देखो यहाँ पर, देखो ये घर में आपने देखा होगा इस टाइप का डायनेमो रहता है, ये छोटा लेवल है डायनेमो का। आप देखोगे तो बड़े बड़े साइज के होते हैं, जो आपके घर पे बिजली आ रहा है ना, इतने सारे घर पे आ रहा होगा, सोचो तो इतने छोटे से मशीन से तो काम नहीं चलेगा, तो बड़े बड़े डायनामो होते हैं। यहाँ पर पिक्चर में छोटा सा डाल दिया है मैंने, और ये डायनामो के अंदर का फोटो है, फंक्शनिंग है। क्लास 10th में आप लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हो कि यार प्रोड्यूस कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप किसी चीज को गोल गोल घुमा रहे हो और उसके गोल गोल घुमाने से बिजली पैदा हो रहा है, तो कैसे पैदा हो रहा है यहाँ पर उसका अंडरस्टैंडिंग है। आपको नहीं समझ आएगा फिर भी मैं यहाँ पर दो चीजें दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख रहे होगे तो मैग्नेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे तो स्पिनिंग कॉइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेन दो चीज यूज कर रहे हैं अपन, एक कर रहे हैं मैग्नेट्स, आप जानते हो मैग्नेट क्या होता है, चुंबक, तो मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। दूसरा अपन कॉपर वायर का यूज कर रहे हैं, तो कॉपर वायर को रोटेट कर रहे हैं मैग्नेट्स के बीच में। तो जब मैग्नेट्स के बीच में कॉपर वायर को रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आया? आपने रोटेट किया ना कॉपर वायर, तो रोटेट किया मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये काम किसका है करने का, डायनेमो का। तो डायनेमो इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
यहां पर चार डिवाइसेस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, डेफिनेटली समझ आ गया होगा। जब श्रेष्ठ सर आपको पढ़ा रहे हैं तो टेंशन की क्या बात है, चीजें तो समझ आनी ही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के डिवाइसेस डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल। ये किसी और का डायलॉग मैंने कॉपी कर लिया, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ टीचर का, वो हमेशा बोलते हैं गॉड ब्लेस यू ऑल, तो मैं भी वही वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि भगवान आपकी रक्षा करे, आप खुश रहें, पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।